मैं इस्लामुद्दीन खार और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। क्रिकेट बैट से पति ने अपनी ही पत्नी और दो बच्चों की हत्या कर दी है। ठाणे के घोड़बंदर रोड पर स्थित कासरबडौली पुलिस स्टेशन के हद में ट्रिपल मर्डर में माँ बेटे और बेटी की हत्या कर पति ने मौत के घाट उतार दिया है। दरअसल ठाणे के कासरबडौली गांव में गुरुवार को एक महिला और उसके दो बच्चों की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मां की पहचान भावना अमित बागड़ी के रूप में हुई है, जबकि दो मासूम मृतक बच्चों की पहचान खुशी अमित बागड़ी उम्र 6 साल और अंकुश अमित बागड़ी उम्र 8 साल के रूप में हुई है। प्रारंभिक जाँच में पता चला है कि मृतक भावना के पति अमित ने क्रिकेट बैट से तीनों की हत्या की है। मेहमान बनकर आया मृतक महिला का पति हत्यारा अमित का बड़ा भाई विकास धर्मवीर बागड़ी घर पर आया हुआ था और परिवार में किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद हत्यारे ने अपनी ही पत्नी और दो बच्चों को बैट से पीटकर हत्या कर दी। मृतकों के नाम भावना अमित बागड़ी उम्र 24 साल है और लड़की खुशी अमित बागड़ी 6 साल है और बेटा अंकुश अमित बागड़ी 8 साल है। मूल रूप से ये हरियाणा खरदलीपुर के रहने वाले हैं। आपको बता दें कि आरोपी अमित को शराब की लत लग गई थी और घर में आए दिन मारपीट करता रहता था। पति की आदत से परेशान होकर आरोपी की पत्नी दोनों बच्चों को लेकर पति को छोड़कर गांव के ही अपने पति के बड़े भाई विकास बागड़ी के साथ ठाणे के कासरबडौली के साई नगर में रहने लगी थी। 3 दिन पहले ही आरोपी अपनी पत्नी और बच्चों से मिलने घर आया था और उन्हीं के साथ रह रहा था। आज सुबह आरोपी का भाई विकास बागड़ी रोजाना की तरह 7 बजे अपने हाउसकीपिंग के काम के लिए चला गया, जिसके बाद वह करीब 11:30 बजे घर लौटा तो उसने घर में भावना और दोनों बच्चों को मृत पाया। उनके सिर के पास एक लकड़ी का क्रिकेट बैट भी रखा हुआ था। तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दी गई और पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच पंचनामा करने के बाद आरोपी की तलाश में जुट गई है और आगे की जांच शशिकांत पुलिस निरीक्षक कासरबडौली पुलिस स्टेशन के कर रहे हैं। हालांकि हत्या करने के बाद आरोपी फरार है और पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई है। मालूमात इकट्ठा कर रहे और क्या कुछ जानकारी आपके सामने नजर आई? आज सुबह 7 से 11 बजे कासरवडेली गांव में जयवंत शिंदे चाड़ में महिला नामक भावना बागड़ी और उसके दो बच्चे खुशी और अंकुश उनका मर्डर हुआ है। उसके बारे में कासरवडी पुलिस स्टेशन में गुना दाखिल करने के और आगे का तपास करने की प्रोसीजर शुरू है। उसमें संशयित आरोपी अमित बागड़े जो मयत महिला उसका पति है वो प्राथमिक तपास में वो संशयित आरोपी करके निष्पन्न हुआ है। उसका लोकेशन और डिटेक्शन कासरवडी पुलिस स्टेशन कर रही है। सर, क्या किस हत्या से जो है इन 3 लोगों को जो है मारने का है, क्या कुछ सामने नजर आया? प्राथमिक तपास में पति पत्नी का कुछ झगड़ा और वाद विवाद हो सकता है, ऐसा प्राथमिक तपास में निष्पन्न हुआ है। ये मर्डर क्रिकेट की लकड़ी के जो बैट है उससे हुआ है। ठीक है, ओके, थैंक यू।